यस गाइस, सो इट्स नेक्स्ट डे। आज 26 मई है, अभी सुबह के 10 बजे है। और कल रात को जो हम लोग थामेल जाने वाले थे, मार्केट जो नाइट मार्केट है वहाँ पे जाने वाले थे, लेकिन वो प्लान फिर कैंसिल किया क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और थोड़ी बहुत पैकिंग भी करनी थी, क्योंकि आज चेकआउट करके फाइनली हम लोग घर की तरफ जाने वाले हैं इसके लिए। लेकिन अभी सुबह के 10 बजे है, ब्रेकफास्ट करके यहाँ की एक और मार्केट है, चाइना मार्केट है, वहाँ पे जाने वाले हैं। और कुछ दरबार स्ट्रीट जैसा है, वहाँ पे सारे शोरूम्स है, तो आधा ग्रुप वहाँ पे जाने वाला है, आधा ग्रुप चाइना मार्केट जाने वाला है। तो वहाँ पे जाएंगे, 1-1.5 घंटा घूमेंगे मार्केट में, और उसके बाद चेकआउट करके एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से काठमांडू एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से अहमदाबाद, अहमदाबाद से गांधीधाम। सो ये प्लान है, और चलो चलते हैं, देखते हैं चाइना मार्केट कैसी है। ये यहाँ के नीति का ब्रेकफास्ट है, यहाँ पे बुफे इस तरीके का दिखती है ये रेस्टोरेंट जो है वो। सो चाइना मार्केट आए हैं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, उसमें बोल रहे चाइना मार्केट है। चलो चलते हैं, कैसा है देखते हैं। एंट्री करके तो ऐसा लग रहा है कि अपने दिल्ली की पालिका बाजार इससे ज़्यादा अच्छी है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी शॉप्स है वो क्लोज्ड है, आप देख सकते हो। ऊपर भी है, हालांकि यहाँ पे ऊपर के फ्लोर्स में भी है, सारे फ्लोर्स में है, लेकिन बहुत सारी शॉप्स क्लोज्ड है। अभी शायद हम लोग थोड़ा अर्ली आया है, शायद हो सकता है मार्केट ओपन होने का टाइम नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है, आई डोंट नो। बट अभी फर्स्ट इम्प्रेशन जो देख के लग रहा है, इससे अच्छी अच्छी मार्केट हमारे इंडिया में, जो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो पालिका बाजार का, बट वैसे ही और भी मार्केट है। यहाँ पे मार्केट तो बहुत लेट ओपन हो रही है, आप देख रहे हो अभी शटर्स ओपन हो रहे हैं धीरे धीरे। मैंने जाके बोला ना कि ज़्यादातर शॉप्स जो है क्लोज्ड है, लेकिन अभी धीरे धीरे ओपन हो रही है, और अभी ऑलरेडी 11:30 बज रहे हैं, तो मतलब हमारे गांधीधाम से भी लेट यहाँ पे शॉप्स जो है वो ओपन कर रहे हैं। अभी और भी बहुत सारी शॉप्स तो ओपन नहीं हुई है, तो मुझे लग रहा है 12 बजे तक पूरी मार्केट जो है वो ओपन होगी। और इस तरह से कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, कुछ कुछ शॉपिंग कर रहे हैं अंदर, यहाँ पे आपको दिखेंगे। सो फाइनली चेकआउट की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, काउंट डाउन बिगिंस टू बी बैक टू द पवेलियन, यानी कि घर वापस जाने का टाइम हो गया है दोस्तों। चेकआउट की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, चाइना मार्केट जाके आए। 12 बजे तक आधा से ज़्यादा मार्केट ओपन ही नहीं हुई थी, तो ऐसा किसी ने कहा कि पिछले 3 साल से ये कोविड की वजह से, चाइना मार्केट है इसकी वजह से बहुत सारी शॉप्स जो है वो क्लोज हो गई है, क्योंकि 3 साल से वहाँ से कुछ स्टॉक मंगा ही नहीं पा रहे कोविड की वजह से। और बहुत सारी शॉप्स जो है अभी ओपन होगी, बहुत लेट ओपन करते हैं ये लोग, बट थोड़ी बहुत शॉपिंग जो जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ें मिल गई थैंकफुली, तो काम हो गया। और अभी लगेज जो है नीचे पहुंच रहा है हमारा, हमारे रूम का नीचे पहुंच गया है लगेज, मैं भी जा रहा हूं, और बाकी रूम्स के भी लगेज जो है धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, और चेकआउट करके जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचना है, क्योंकि 12:30 बज गए, 12 बजे का चेकआउट टाइम था, 12:30 हो रहे, तो बस चलो आ गई है लिफ्ट भी अपनी। फाइनल बाय टू, सी यू, बाय बाय। काठमांडू एयरपोर्ट पे आ गए, और ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे एसटी बस स्टॉप पे आए, इतनी पब्लिक है यहाँ पे। और ट्रॉली लेते हैं जल्दी से और चलते हैं अंदर एयरपोर्ट के, पूरी
वाइब जो है यहाँ पे बाहर तो एसटी बस स्टैंड की ही आ रही है। चेक इन कर दिया है, अभी बोर्डिंग में टाइम है तो नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे सब। एयरपोर्ट पे गुजरात से लाया हुआ हमारा नाश्ता। So guys, finally boarded the flight at 4:45 PM। सभी लोग आ गए, हमारे ग्रुप के सभी लोग आ गए हैं। पूरी फ्लाइट जो है सब बोर्डिंग कंप्लीट हो गया। अभी वेदर जो है वो भी थोड़ा विंडी और क्लाउडी है, इवन थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हो रही है, तो टर्बुलेंस मिल सकता है। ऐसा पायलट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आया है कि सीट बेल्ट की साइन जो है वो ऑन ही रहेगी। प्रिपेयरिंग फॉर शॉर्ट टैक्सी। एंड ये देखिए बारिश दिख रही है, चालू हो गई है। Ladies and gentlemen, welcome your flight 6334 to Delhi. We will take 1 hour and 25 minutes to reach Delhi. Your crew in the flight deck are Captain Ankit Yadav, First Officer Yasir Masood Alam, and in the cabin are Sonari. All operations at Kathmandu Airport are currently stopped. So we are holding at this position and we need to wait for some time for weather to improve. Hope you understand that these kind of weather delays are in the interest of your safety and beyond our control. In the meantime, I request you all to remain seated. Thank you. फ्लाइट जो है वो डीले हो गई है बिकॉज ऑफ बैड वेदर कंडीशंस। आप देख रहे हो यहाँ पे बारिश जो है शुरू हो गई है। हम लोग रनवे के पास आके ही फ्लाइट में ही बैठे हैं। एंड मोमेंट पे फ्लाइट जो है उसको रोक दिया गया है, क्योंकि जैसे ही हम लोग बैठे तब तक बारिश नहीं हो रही थी, जैसे ही सीट पे बैठे और तुरंत ही बारिश होना शुरू हो गई। और सेफ्टी रीजन से ऑब्वियसली फ्लाइट जो है उसको डिले किया गया है। अभी देखते हैं कितना डिले करते हैं, ये वेदर कितनी देर तक ऐसा रहेगा वो अभी तक कुछ अपडेट नहीं दिया है उन्होंने। अभी सिर्फ इतना बोला है कि थोड़ी देर के लिए डिले किया गया है और जिस पोजीशन पे है उसको ही होल्ड करके रखा हुआ है अभी। तो अभी बैठे बैठे बोर हो रहे और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ये बारिश और ये एयरपोर्ट देख के मिल रहा है, लेकिन वो भी कितनी देर देखेंगे। As the weather has improved now, we are now ready for departure and shortly we'll be taxiing to the holding point for the takeoff. Thank you.
इंडियन टाइम के हिसाब से 7 बजे है अभी, और हम लोग दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचे हैं अभी। थोड़ा सा स्टार्टिंग में टर्बुलेंस था, उसके बाद बहुत ही स्मूथ फ्लाइट से कोई इश्यू नहीं हुआ, थोड़ी डिले हुई और उसके बाद ये प्रॉब्लम हुआ, अदरवाइज इट वॉज क्वाइट नाइस जर्नी। दिल्ली एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री। सो अभी दिल्ली टू अहमदाबाद जाने के लिए टर्मिनस चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये शटल बस की यहाँ पे सर्विस दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें टर्मिनल 1 में जा रहे हैं अभी। और काठमांडू से फ्लाइट में से उतरते ही यहाँ पे टी एंड स्नैक्स का ब्रेक किया है, और इसके बाद अभी अहमदाबाद की फ़्लाइट पकड़ेंगे यहाँ से दिल्ली से। सो ये हमारी फाइनल फ्लाइट है अहमदाबाद के लिए, दिल्ली टू अहमदाबाद। यस गाइस, तो फाइनली अहमदाबाद पहुंच गए, अभी रात के 3 बज रहे हैं, हम लोग लगभग 1-1.5 घंटे पहले पहुंचे हैं अहमदाबाद, और अभी हमने टैक्सी की हुई है, 2 टैक्सी की हुई है कच्छ जाने के लिए, और अहमदाबाद से निकलने से पहले यहां पे कर्णावती क्लब के सामने गजानंद पौआ हाउस ये जगह है, वहां पे थोड़ा चाय नाश्ता करने के लिए रुके हैं, और उसके बाद यहाँ से सीधा घर जाएंगे। और बस इसी के साथ हमारी ये जो बहुत ही मज़ेदार ट्रिप थी वो यहाँ पे एंड होती है। अभी बस रास्ता, ये रात का टाइम है, 3 बज रहे ऑलरेडी, तो अभी कुछ है नहीं दूसरा कुछ शूट करने के लिए दिखाने के लिए, तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों ने ये पूरी सीरीज़ देखी और ये व्लॉग भी यहाँ तक देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियोस अच्छे लगे हैं, व्लॉग्स अच्छे लगे, ये नेपाल की पूरी जो सीरीज़ है अच्छी लगी है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि पूरी ये नेपाल की व्लॉग्स की सीरीज़ जो आई उसमें से कौन सा व्लॉग आपको अच्छा लगा, और ओवरऑल दूसरे भी बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो है मैं लेके आने वाला हूँ इन फ्यूचर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।